कैबिनेट का आज विस्तार होगा। आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें, शपथ ग्रहण को लेकर राष्ट्रपति भवन को जानकारी भी दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आवेश लगातार हमारे साथ बने हुए। आवेश, आज महत्वपूर्ण दिन है, मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होने वाला है, क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं, किस तरह का फेरबदल होगा, किसे शामिल किया जा सकता है? देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहली बार मोदी सरकार दो का जो है वो कैबिनेट विस्तार 2 साल के बाद होने जा रहा है। तो लगभग जिन 6 राज्यों में चुनाव हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश से कई नेता जो हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जाना है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो दिल्ली आ चुके हैं। कई नेताओं को रात तक जो है वो कॉल की गई कि आप दिल्ली आ जाएं, अचानक से उनके पास कॉल गई। तो सभी नेता लगभग जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। अगर बात की जाए मोदी कैबिनेट में, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी से आते हैं और लगभग 10 कैबिनेट मंत्री जो हैं इस वक्त यूपी के ही हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 5 मंत्री जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, जिसमें सहयोगी दल के 2 नेताओं के नाम जो हैं वो सबसे ज़्यादा चले, चाहे जो उसमें निषाद पार्टी के नेता हों या फिर अपना दल की सुप्रिया पटेल हों, इनके नाम भी सबसे आगे चले हैं। और ये अनुप्रिया पटेल, बताया जा रहा है कि वो भी जो हैं कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र भी है, वहाँ से जो सांसद रवि किशन है, उनको भी कॉल की गई है और उनको बुलाया गया। साफ तौर पर 3 नेताओं के नाम जो है एकदम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि और भी नेता जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। दलित वर्ग का भी खास ध्यान जो है वो रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश में सभी तरह के राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश जो है वो इस मंत्रिमंडल से की जाएगी। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से ज्योतिराज सिंधिया जो हैं वो शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, और वो दिल्ली आ भी गए। कल वो जब दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ अच्छे खासे सामान थे, ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली में लंबे समय तक रुकने वाले। साफ तौर पर आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से या कहा जाए कि ऑफिशियली लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। सभी कयास आरइया हैं, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आपके सूत्र जो हैं या फिर आप कयास आरइया जो हैं कुछ और लगाते हैं, लेकिन अंत में जो है वो बहुत ही चौंकाने वाले चीज़ें हमेशा बीजेपी में सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो नाम सामने आया है, ये माना जा रहा है कि वो नाम लगभग तय हैं। अवश्य, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर आप सांसद